बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्किंग ग्रुप फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देख ली कि एफ डैश एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमने देख लिया बच्चों। अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसको फाइंड आउट किया करेंगे डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आप लोगों ने लेट करना, जो भी फंक्शन क्यों होगा उसको अपने y के इक्वल लेट कर लेना। उसके बाद बच्चों दूसरा आपने क्या काम करना है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि इंक्रीमेंट करेंगे हम वेरिएबल्स में। यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल्स में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेक द इंक्रीमेंट्स, मेक द इंक्रीमेंट्स यानी y को हम y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कर देंगे और x को हम x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देंगे। ये डेल्टा y और ये डेल्टा x हैं, ये इंक्रीमेंट्स। अगर ये हम t होता तो हम t को t प्लस डेल्टा t से रिप्लेस कर देते, u होता तो u को u प्लस डेल्टा u से रिप्लेस कर देते। तो हम हर वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देंगे। थर्ड बच्चों हम जो स्टेप हमारे पास है वो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर डेल्टा वाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई के लिए सिंप्लीफाई करो और उसके बाद डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें। और फोर्थ स्टेप हमारे पास जो होगा वो होगा अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये चार स्टेप्स को फॉलो करके हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है 2x² + 1। अब सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है कि इसको y के इक्वल लेट कर लें। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2x² + 1, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेक द इंक्रीमेंट, तो जहाँ भी हमारे पास वेरिएबल हैं जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं वहीं वहीं पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की जगह x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर डेल्टा y, तो डेल्टा y के लिए सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से। डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा 2, और इसको इसका स्क्वायर ओपन करते हैं x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1 माइनस y। आगे डेल्टा y इज इक्वल टू, जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस, और बच्चों y की जगह 2x² प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x² और प्लस माइनस, ये वाला माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 2x² इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर ही है कि हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो डिवाइड
डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो जो ये जो हमारे पास बचा था टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डेल्टा एक्स, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया इसी स्टेप में, तो रह क्या गया टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स और डेल्टा एक्स पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स आ गया, फोर एक्स आ गया हमारे पास। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो इसके ऊपर बच्चों हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो बच्चों यहां पे अप्लाई कर दें आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो तो ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो टू डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, टू इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस फोर एक्स, तो फोर एक्स वैसे का वैसे ही रह जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन चार स्टेप्स को फॉलो करके अपना डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब हम इन्हीं चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में भी, 2.2 में भी, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 का उसमें भी, और जितने प्रूफ हम करेंगे उनमें अक्सरियत जो प्रूफ होगी इन जो प्रूफ्स की होगी बच्चों वो डेफिनेशन के ज़रिए ही प्रूफ की जाएगी, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और थर्ड हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो पहले हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं और उसके बाद हम फिर सेकंड वाला भी देखते हैं। बच्चों थर्ड पार्ट एक तो हम ऑर्डिनरी मेथड से कर सकते हैं, ऐसे ही हम इंक्रीमेंट कर दें फिर हम उसको करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, जो कुछ गिवन है उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या करना है इंक्रीमेंट कर दें, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह हमने क्या कर दिया x प्लस डेल्टा x कर दिया। अब डेल्टा y के लिए सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, और ये y इधर आ गया, y इधर आ गया बच्चों, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू, y यहाँ पे किसके इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है। अब इसका आप एलसीएम ले लें, डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा बच्चों। अब इसके कॉन्जुगेट्स इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर में भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा,
तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए यहाँ पे एक्स स्केयर रूट एक्स है तो स्केयर रूट एक्स का स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के स्केयर रूट का स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच जाएगा बच्चों, और नीचे स्केयर रूट ऑफ एक्स, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा बच्चों। अब इसी स्टेप के बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ऊपर एक्स माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा माइनस डेल्टा एक्स, और एक डेल्टा एक्स से जो हमने भी डिवाइड किया वो लिखा, और बाकी सारा कुछ जो पहले लिखा हुआ था स्केयर रूट ऑफ एक्स, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये बच गया। अब जो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या बच गया माइनस वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया बच्चों। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स, और जो डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये भी हमारे पास क्या आ गया स्केयर रूट ऑफ एक्स ही आ गया, और इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, लेकिन डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगा तो स्केयर रूट एक्स बच जाएगा हमारे पास। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स पर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्केयर रूट ऑफ एक्स का स्केयर बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स, और यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टू स्केयर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। अब जब एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स की पावर वन है और यहाँ पे एक्स की पावर वन ओवर टू है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बच्चों वन प्लस वन ओवर टू तो पावर क्या बन जाएगी थ्री बाई टू बन जाएगी। तो हम इसको शुरू से ख़त्म कर देते हैं, जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर, जो एक्स की पावर क्या आएगी आपके पास वन प्लस वन ओवर टू एक्स की पावर बन जाएगी थ्री बाई टू, और यही इसका आंसर होगा। अब इसको डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे तो आपके पास यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को इनका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे, अब इनके अंदर जो डिफरेंट पावर्स आ जाते हैं, जैसे हमने अभी थर्ड पार्ट किया है इसमें एक्स की पावर, अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स की पावर बननी थी माइनस वन ओवर टू, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू। तो जो अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो कोई नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो तो उसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर लेते हैं और आसानी से इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और बच्चों आपको बायनोमियल सीरीज के बारे में पता होगा, बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह की सिचुएशन 1 + x^n है, इसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और पहले भी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसको बायनोमियल सीरीज़ की, यानी अगर हमारे पास n जो है कोई नेगेटिव नंबर है या फिर कोई फ्रैक्शन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + nx + यानी 1 पहले वैसे लिखेंगे और फिर इस पावर को और इस यहाँ पे जो कुछ भी होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे nx + फिर पावर n·n−1/2 और साथ में बच्चों इसका स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे जो है 1 के साथ जो कुछ होगा उसका स्केयर, x का स्केयर प्लस n·n−1/(n−2)/3 और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है x, तो x का क्यूब प्लस up to 100, वहाँ इसी तरह हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ इसको, आप किसी भी पावर जो के ऊपर बड़ी आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें हम जो फोर्थ पार्ट लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 1/(x³). सबसे पहले तो हम यही करेंगे, आप इसको नोट कर लें, हम इसको अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 1/(x³). तो जो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे y = 1/(x³), और हम इसको लिख लेते हैं y = x^-3। अब हमने इस फर्स्ट स्टेप लिख लिया y = f(x), उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे y + Δy = x की जगह x + Δx और उसकी पावर -3। और अब हमने सिंप्लीफाई करना है डेल्टा वाई के लिए, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Δy = x + Δx^-3 - और ये y को इधर ले जाएं -y Δy = जो यहाँ पे देखें, अब इस पावर -3 पावर के अंदर अगर हम x + Δx में से x कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + Δx/(x) बचेगा ना। ये स्टेप मैं इधर ही कर रहा हूँ, अगली दफ़ा हम इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप किया करेंगे। तो हमने अंदर पावर -3 पावर के अंदर x + Δx में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा 1 + Δx/(x) और सारे की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3 है। और माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या थी, x^-3। अब इस पावर को हम दोनों के ऊपर लिख सकते हैं अलग अलग, Δy = x^-3 × 1 + Δx/(x^-3 - x^-3। अब जो आपको नज़र आ रहा होगा कि x^-3 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Δy = x^-3 × 1 + Δx/(x^-3 - x^-3, तो बाहर कॉमन चला गया और -1 बच गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास टर्म होगी ना 1 + Δx/(x^-3, इसके ऊपर हम बायनोमियल सीरीज यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा Δy = x^-3 × 1 + nx, n यहाँ पे कितना है -3, x कितना है Δx/(x), तो -3 × Δx/(x) + फिर -3 × -3 - 1/2 और Δx/(x² + उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा,
माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब एंड अप टू सो ऑन प्लस अप टू सो ऑन। और बच्चों एंड पे जाके हमारे पास यहाँ पे एंड पे जाके यहाँ पे हमारे पास माइनस वन भी मौजूद है, ये माइनस वन भी हमारे पास मौजूद है। अब ये वाला वन शुरू वाला और ये माइनस वन, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और अब बाकी जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे उन सब के अंदर, यानी वन माइनस वन तो ख़त्म हो गए, बाकी जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन में उन सब के अंदर डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है। लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ डेल्टा ओवर एक्स का क्यूब है, अप टू सो ऑन। तो हम इन सब टर्म में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर वन को हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री और डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास अंदर, यहाँ पे सिर्फ माइनस थ्री बच गया प्लस, क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स तो कॉमन चला गया। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस थ्री माइनस फोर ओवर टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे पावर इसकी टू थी, एक बार चली गई तो पावर यहाँ पे रह गई डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर वन रह गई। फिर आगे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ओवर थ्री फैक्टोरियल, बच्चों यहाँ पे इसकी पावर अब क्या रह गई, डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर क्या रह गई, टू रह गई, क्योंकि थ्री पावर थी तो एक हमने पावर कॉमन निकाल लिया तो टू पावर रह गई प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड से किया और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, या आप दो स्टेप्स में अलग अलग कर सकते हैं, मैं आपको एक स्टेप में करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो बच्चों एक्स की पावर माइनस थ्री है और नीचे एक्स की पावर क्या है वन, या ऊपर आएगी तो एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन, ये नीचे जो पावर वन है ऊपर आके माइनस वन होगी माइनस थ्री के साथ, और साथ में हमारे पास ऊपर मौजूद है डेल्टा एक्स और एक डेल्टा एक्स हमने नीचे डिवाइड किया यहाँ पे डिवाइडिंग में डेल्टा एक्स, और बाकी सारा कुछ हमारे पास वैसे ही है, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर हम लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक्स की पावर माइनस फोर इंटू, जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो डेल्टा एक्स चूँकि जीरो को अप्रोच करा है तो डेल्टा एक्स जीरो बन जाएगा, तो जीरो ओवर एक्स जीरो, जीरो ओवर एक्स जीरो, जीरो का स्केयर फिर जीरो। तो बच्चों जिस जिस टर्म में डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद होगा वो सारी तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, और अगली हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर बढ़ रही है, इसका मतलब डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों लिमिट ये सारी टर्म्स को जीरो कर देगी और हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस अप टू सो ऑन, और अल्टीमेटली हम इसका आंसर लिख सकेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो जो देखें इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री का आंसर क्या होता है, माइनस थ्री, पावर पहले पावर से एक का माइनस थ्री, एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस फोर, तो वही हमारे पास इसका आंसर है।
तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे और देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस, दूसरे एग्जांपल्स। बच्चों इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिया। अभी इसको देखें, ये सेकंड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। तो देखें यहाँ पे आपने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की जगह x प्लस डेल्टा एक्स उसका स्केयर रूट। उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन की डेल्टा वाई के लिए सिम्प्लीफिकेशन की, ये आ गया आपके पास। और उसके बाद यहाँ से x की पावर 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया, जैसे मैंने कॉमन लेके दिखाया, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स और एक्स बच जाएगा, एक्स की पावर 1 ओवर 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ कर देंगे, जैसे मैंने वो सारा क्वेश्चन किया है बच्चों। उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम सारा इसको एक्सपेंड करेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको अभी एक्स की पावर माइनस की वाला क्वेश्चन किया, अभी उन्हीं स्टेप्स पे चलें, और उन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए आप इन क्वेश्चन को करेंगे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, इसको भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आपने ऐसे ही करना है बच्चों, इसी तरह ये आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है, इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, देखें यहाँ पे जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस a, और फिर माइनस y की वैल्यू हम रख देंगे x माइनस a की पावर माइनस 1। अब जब हमने कॉमन लेना है तो बच्चों देखें यहाँ पे x माइनस a, यहाँ पे इस स्टेप को जरा आप समझ लें, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर डेल्टा वाई मौजूद है, एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स, पहले था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, तो हमने एक्स माइनस ए को शुरू में कर लिया। चलिए मैं आप थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास y है, x इसकी बात कर रहे हैं, x माइनस ए, तो आप तो ये तो सारे ही कर सकते हैं, कोई भी इनमें से क्वेश्चन है। मैं तो आपको किसी की एग्जांपल भी दे सकता हूँ, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी एट्थ पार्ट की। बच्चों यहाँ पे x प्लस 4 की पावर माइनस 3 है, x की पावर है आपके पास। बच्चों यहाँ पे आपके पास x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3 है, तो हम इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें इस तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3, ये जो क्वेश्चन होंगे इनके अंदर हमने इंक्रीमेंट वाले करना है। इंक्रीमेंट किया तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और उसकी पावर बच्चों हमारे पास है 1 ओवर 3, तो यहाँ से हम लिख लेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है उसको हम x के साथ लिख लेंगे बच्चों, और प्लस डेल्टा x आ जाएगा और उसकी पावर 1 ओवर 3, और बच्चों ये जो y है इधर आके माइनस y हो गया। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा x और उसकी पावर 1 ओवर 3 माइनस y, यहाँ पे बच्चों कितना, x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3। अब यहाँ पे हम कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, बच्चों ये जो हमारे पास पूरा कांस्टेंट x प्लस 4 x प्लस कांस्टेंट जो है इस सारे को हम कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से, यानी आप समझ लें कि ये एक बस एक टर्म है, जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा प्लस डेल्टा x ओवर में x प्लस 4। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 प्लस 5 में से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो आपके पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस अगली टर्म में हम 2 को डिवाइड कर देंगे, 5 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे जब x प्लस 4 को कॉमन लेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू, तो इन दोनों टर्म में x प्लस 4 मौजूद है, जब इसमें से कॉमन आएगा तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3 और क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और उसकी पावर भी 1 ओवर 3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3।
तो यहाँ से आपके पास आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर की पावर 1/3, ये शुरू में आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, और उसकी पावर हमारे पास बचे 1/3 -1। अब इसके ऊपर हम बायनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे ये एक्स है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, और उसकी पावर 1/3 यहाँ पे ये एन है, और बाकी सारा कुछ यहाँ पे वही है, 1 प्लस nx प्लस n(n-1), बाकी सारा कुछ आप वही करेंगे। और जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको करके दिखाई, उसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब अगर आप लोग ज़रा गौर से इन क्वेश्चन को करें तो आप लोग आई थिंक 2.1 को अब कर सकते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट है, इसको तो बड़ी आसानी से हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर लें पहले अंदर x²-3x, तो उसके बाद डायरेक्ट फोर स्टेप्स अपने जो हैं वो अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो आपको बायनोमियल सीरीज से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। और यहाँ फिफ्थ पार्ट के अंदर 1/(x-a) है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x-a की पावर -1, पावर नेगेटिव है तो हम बायनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह ये 8 जो बच्चों हमारे पास है, 13th पार्ट है, इसके ऊपर भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे बायनोमियल सीरीज, क्योंकि हमारे पास वेरी बिग पावर यहाँ पर मौजूद है और उसके ज़रिए हम यहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका हमारे पास कोई ना कोई एंड मौजूद होगा, तो x²40 इस पर हम मज़ीद भी बात कर लेंगे। इस एक पार्ट को आप छोड़ दें और इसके अलावा हमारे पास यही इसी तरह का पार्ट हमारे पास 11th पार्ट है, बाकी यहाँ पे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे पावर रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि m बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये फ्रैक्शन भी नहीं है। तो जो इनको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे इसके बाद, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके ऊपर 11th पार्ट और 13th पार्ट पे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं हमको आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम लिख लेंगे वाई इज इक्वल एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसके ऊपर हम बायनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है 1/(x)√(x+a), तो इसको हम लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर -1/2, क्योंकि नीचे 1/2 पावर ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, और इसी इसके ऊपर भी हम बायनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे। तो आज आप लोग 2.1 को कंप्लीट करें, इन दो क्वेश्चन को छोड़ लें, हम इस पर डिस्कशन मज़ीद कर लेते हैं 2.2 के साथ, कि जब हमारे पास पावर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाती है तो फिर हम उसको किस तरह से डील करें, फिर हम थ्योरम लगा लें, बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं बायनोमियल सीरीज़ की जगह, और उसकी हमारे पास एंडिंग टर्म मौजूद होगी। बायनोमियल सीरीज़ में हम टू इन्फिनिटी जा रहे होते हैं, लेकिन बायनोमियल थ्योरम के अंदर हमारे पास उसकी एंडिंग टर्म मौजूद होती है। तो इसी पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी बातों पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।